महिला आरक्षण बिल की लोकसभा से पास हो जाने के बाद अब इस बिल पर राज्यसभा में चर्चा हो रही है। चर्चा की शुरुआत कांग्रेस के नेता रंजीत रंजन ने की है। उन्होंने कहा कि आपने इसे नारी शक्ति बंधन विधेयक का नाम तो दिया है, लेकिन महिलाओं को बंधन नहीं समानता का अधिकार चाहिए। उन्होंने कहा कि आपकी सरकार में महिलाओं की कितनी वंदना होती है यह हम सभी को मालूम है। जब आपको सत्ता पाने की जरूरत होती है तब आप महिलाओं को देवी बनाकर उनकी पूजा करने लग जाते हैं। वहीं इसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इस कदम से नारी का सशक्तिकरण होगा और नारी को ताकत मिलेगी। नारी शक्ति बंधन विधेयक यह शब्दावली ही हमारी पार्टी के दृष्टिकोण को दर्शाती है और स्पष्ट करती है। मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि संविधान को और संशोधन करने वाले 128वें संविधान संशोधन विधेयक 2023 को विचारार्थ लिया जाए। आपकी अनुमति हो तो कुछ इस संबंध में बोलना चाहता हूं। थैंक यू सर। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने यह नारी शक्ति वंदन बिल लाकर जो रिजर्वेशन का विषय काफी लंबे अंतराल से चल रहा था उसको एक निर्णायक मोड़ पर लाने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं जहां उनको धन्यवाद देता हूं, वहीं जो उन्होंने नारी के सशक्तिकरण के लिए, एम्पावरमेंट के लिए जो पिछले 9 साल में कार्य किए हैं उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं, जिसने भारत की नारी को सुधारने में और उसकी दशा और दिशा और आगे मजबूती से समाज में बढ़े इसके लिए बहुत ही कारगर कदम उठाए हैं। और उसी कदम में यह कदम भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है जिससे नारी का सशक्तिकरण होगा और नारी को ताकत मिलेगी।